फांडेरा से घूम के आने के बाद हम लोग आ गए हैं अपना सेकेंड टूरिस्ट स्पॉट पे, जिसका नाम है चॉकलेट फैक्ट्री एंड सेल्फी फांडा। जैसे ही हम लोग इस चॉकलेट फैक्ट्री एंड सेल्फी फांडा इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री किए हैं, तो बहुत सुंदर यहाँ का नजारा है। पेड़ है जिसमें कुछ इस तरह का कुछ डिजाइन बने हुए है, और यहाँ पे कुछ लकड़ियों से छोटे छोटे रैबिट, बहुत कुछ शेप में बहुत कुछ बना हुआ है। इस जगह का नाम है सेल्फी फांडा, और इसके अंदर में एक चॉकलेट फैक्ट्री है जहाँ आप खुद से चॉकलेट बना सकते हो और चॉकलेट खरीद के लेके भी जा सकते हो। यहाँ पे है हिया, जो कि अभी यहाँ बैठ गई है, ट्रैक्टर चला रही है हिया। Homemade chocolates are here to sell. Auntie, go ahead. What? Yeah, what do you want to make? Yeah, it's ready with chocolate molds to make delicious chocolate. Here, you want to make chocolate? Now here it's ready to make chocolate. Very happy. The whole plate, you want to have it as a DIY? DIY, pottery, building making. Okay. So we can purchase the things from here also. Yeah. Oh wow! Thank you. Takes videos, pictures, and sends it. Yeah. Oh. Okay. Thanks for such a wonderful concept. Very nice. Here, all the best. Say hi, Koro Auntie. Go say hi. Hi. देखिए यहाँ पे चॉकलेट्स बन रहे हैं। रहा मेरी बेटी का चॉकलेट जो उसने अपने हाथों से बनाया था। But wait, wait here, wait. Thank you, Akka. कर रही है डिनर, ये को हमने दे दिया है यहाँ का कर्ड राइस। यही काम सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल बंच ऑफ हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ही हमारा थर्ड एज वेल एज लास्ट डे इन येलागिरी। ये देखिए फ्रेंड्स, कीकी यहाँ बैठी हुई है और यहाँ इसका लीश जो है वो बंधा हुआ है,
तो चलिए फिलहाल किकी को थोड़ा देर के लिए आज छोड़ देते हैं और मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस रिसोर्ट में ना अगर आप पेट लेके आ रहे हो तो मैं इतना आप लोगों को श्योरिटी जरूर दे सकती हूँ कि यहाँ पे पेट का खाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे हमारी किकी का तो आदत है कर्ड राइस खाने का, और अगर आपका डॉग कर्ड राइस नहीं खाता है, अगर उसको नॉनवेज कुछ चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर आप उसके लिए रेडीमेड फूड यहाँ कैरी करके लेके आइए। ऐसे हमारे की के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उसको हमने यहाँ पे दही चावल, केला, इडली ये सब दिया है, उसने अच्छे से खाया है। दिस इज आवर टुडेस ब्रेकफास्ट एंड किया हैज टेकन बटर क्यूब एंड जैम। लोग अभी चेकआउट करने वाले हैं, वैसे 11 बज चुका है, 11 बजे यहाँ चेकआउट का टाइमिंग है। हमने सारा सामान अपना पैक कर चुके हैं, किकी को भी पूरा पूरी घर ले जाने के लिए हमने रेडी कर दिया है, उसको कर्ड राइस और केला सब कुछ खिला दिया है हमने। बस अब यहाँ से निकलते हैं, और हमारा तो प्लान यही है कि निकलने से पहले हम लोग थोड़ा येलागिरी लेक घूम के फिर बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस लवली रिसोर्ट, सर्वकाया हिल रिसोर्ट वी आर लिविंग राइट नाउ। लोग सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ पे किकी है, किकी भी बैठ चुकी है। किकी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए हम लोगों ने इसको दही वाला पानी पिला के लाया ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। बस अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं, और देखते हैं अगर टाइम मिला तो हम ये येलागिरी लेक कवर करके ही जाएंगे। अभी हम लोग लेक के पास ही गए हुए थे, यहाँ जो येलागिरी लेक है काफी भीड़ है और लंबा लाइन लगा हुआ है टिकट लेने का। टिकट काउंटर में इतना ज्यादा भीड़ है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि 1 आवर तो लग ही जाएगा टिकट मिलते मिलते। बट हमारे साथ छोटी बच्ची है तो हमने सोचा ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकते हैं, चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट होने वाला है, और किकी की भी थोड़ा गाड़ी में अकेले है, तो बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। यही है वो लेक जहाँ पे देखिए बोटिंग कर रहे लोग, ये हम लोग आए हुए हैं ना पीछे से, वहाँ पे हमने अपने गाड़ी को पार्क किया हुआ है, एकदम पीछे शांत एक जगह है, वहाँ से हम लोग आए हैं। बस ये रहा येलागिरी लेक, वैसे काफ़ी सुंदर है ये जगह, वहाँ है आगे पहाड़ है, यहाँ पे छोटा सा बैठने का जगह बना हुआ है, और लेक तो काफी बड़ा है। तो इसलिए बस हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बैंगलोर के लिए। ऑलमोस्ट जो जो यहाँ का इंटरेस्टिंग सा टूरिस्ट स्पॉट था हमने ट्राई किया है कवर करने के लिए, और किकी भी यहाँ पे है। किकी ओके, सो फ्रेंड्स चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बैंगलोर के लिए। हम लोग जस्ट घर पहुंच चुके हैं, और हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा, हम येलागिरी घूमने गए थे, और इस ट्रिप का कुछ सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ब्लॉग्स में मिल जाएगा, मैं सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कर दूंगी। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।